नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और डेंगू का प्रकोप भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग सावधानी बरतें। आइए देखते हैं आज की 10 प्रमुख खबरें। शासनादेश पर जिला मुरादाबाद के नोडल अधिकारी बनाए गए सुरेश चंद्र द्वारा सर्किट हाउस सभागार में जिले भर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिले भर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिस विभाग को जो कार्य सौंपा गया है वो उसे निर्धारित अवधि में ही पूरा कर ले और कोई भी कार्य अधूरा ना रहने पाए। महानगर के केजी के महाविद्यालय के महिला शौचालय में चपरासी के मोबाइल मिलने व वीडियो बनाने की घटना का सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार दीक्षित ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी मुरादाबाद को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु पत्र लिखा है। साथ ही ये भी कहा है कि मोबाइल से वीडियो यदि कहीं वायरल हुए हो तो उसकी भी पूरी विवेचना कर उक्त वीडियो को वहां से डिलीट कराया जाए। दिव्यांग आर्मी ट्रस्ट एवं मानव हितकारी चैरिटेबल ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से दिव्यांग आयोग का गठन किए जाने की मांग उठाई और इस संबंध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। नगर पंचायत भोजपुर में हर साल की तरह इस बार भी जैनुल्ला शामिया की दरगाह पर उर्स का आयोजन किया गया, जिसके चलते मशहूर कवाल नईम साबरी की कवालियों का प्रोग्राम देर रात 11 बजे शुरू हुआ। दरगाह पर आए भारी तादाद में लोगों ने कवालियां सुनी। वहीं उर्स में बच्चों ने झूलों में आनंद लिया तथा लोगों ने अपने बच्चों के लिए खेल खिलौने खरीदे। वहीं आपको बता दें कि बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी दी। सिविल लाइन स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में डेंगू की बीमारी से बचाव और सावधानी को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने जमीन पर डेंगू से संबंधित एक बड़ी सी पेंटिंग और कोलाज बनाकर डेंगू के प्रति सावधानी बरतने का संदेश दिया। दोस्त या रिश्तेदारों ने यदि 5,000 रुपए के अधिक का गिफ्ट आपको दिया है तो सतर्क हो जाएं, उस पर आयकर देना होगा। इसके लिए 15 दिसंबर तक एडवांस आयकर जमा कर दें, नहीं तो गिफ्ट की कीमत के बराबर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। कम आयकर भुगतान करने वालों की आयकर विभाग ने अब डिजिटल निगरानी शुरू कर दी है, जिससे आयकर विभाग को आसानी से आयकरदाता की आय की जानकारी मिल जाती है। राजस्व बढ़ाने के लिए गिफ्ट पर भी टैक्स वसूलने की योजना आयकर विभाग ने बनाई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काट रोड मुरादाबाद के परिसर में 1 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद एवं क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय मुरादाबाद के संयुक्त तत्वाधान में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए क्षेत्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मेले में पहुंचकर वहां लगे स्टॉल्स पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं। अगवानपुर स्थित श्रीधि साई पब्लिक स्कूल में पश्चिम बंगाल के कलाकारों द्वारा छाव नृत्य की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना था। स्कूल की डायरेक्टर नालिनी अरोड़ा ने सभी कलाकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद रहे। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, खांसी जुकाम और बुखार से पीड़ित लोग भारी संख्या में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। घातक रोग डेंगू की आशंका के चलते अस्पताल में मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। उधर डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में सेहत के प्रति लापरवाही मरीजों को अस्पताल तक ला रही है। बहुत से मरीज अभी तक पंखा चलाकर और कंबल ओढ़कर सो रहे हैं और सर्दी जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। थाना कटघर क्षेत्र में बीते कुछ समय पूर्व जमीनी विवाद को लेकर टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों द्वारा 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला कर घायल करने के प्रकरण में फरार 3 आरोपियों द्वारा अब धमकी दिए जाने से घबराए पीड़ितों द्वारा एसएसपी से मिलकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है।